हाय, गुड मॉर्निंग। मेरे को ना यहाँ पर थोड़ा फंगल स्पॉट्स हो गया, बिकॉज पसीना आता है ना और मेरे बाल खुले रहते हैं, तो माई स्किन इज सो सेंसिटिव। सो आई स्टार्टेड टेकिंग अ मेडिसिन बिकॉज वी ऑल हैव दैट फंगल ऑन आर स्किन, बट समटाइम्स इट जस्ट कम्स आउट। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट मैं नॉर्मल अगर कुछ नायलॉन की टी शर्ट पहन लूँ, क्योंकि वो हेल्दी हसल की जो टी शर्ट्स बनाई है संग्राम ने वेंडर के थ्रू, वो नायलॉन मटेरियल की है। तो एक दो बार इंटरव्यूज देने के लिए मैंने वो टी शर्ट्स पहनी एंड आई थिंक पसीना था या बाल खुल रहे थे, वॉट एवर। तो यहाँ पर है ना वो फंगल रैश हो गई है एंड आई एम लाइक ओह माय गॉड, माय स्किन इज सो सेंसिटिव। तो द होल थिंग इज मेरे साथ है ना ड्रामा करना नहीं रिगार्डिंग माई ओपिनियंस एंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, ओके? बिकॉज आर हाउस इज स्मॉल, इफ यू कीप अ मेल बॉय फॉर द होल डे आई हैव टू वेयर फुल क्लोथ्स, इन दैट सेंस आई कॉन्ट वेयर शॉर्ट्स, यू नो आई हैव टू वेयर दोज लेगिंग्स एंड स्पोर्ट्स ब्रा, बिकॉज we don't know the thought process of the boy. And if there is a woman the whole day, Sangram has to wear shorts and t-shirt. Sangram is a wrestler, so he is somebody who's very comfortable in this body in just shorts. Yeah, it is not as if he's trying to, you know, be cheesy, but unka ek body language waisa hai, kyunki wo body language unka bachpan se hai. उसी तरीके से मेरा एक बॉडी लैंग्वेज है शॉर्ट्स में और स्पोर्ट्स ब्रा में व्हेन आई एम एट होम इन बॉम्बे, नॉट व्हेन आई एम इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या है, माय फादर मदर दे हैव दोस अदर सर्वेंट्स एंड द हाउस इज बिग, सो देयर इज लॉट ऑफ मूवमेंट स्पेस। तो आप पहन लेते हो यू नो क्लोथ्स विच आर लॉन्ग एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पे इन दिस रेलवे कोच इट्स टू डिफिकल्ट। सो मेरे को है ना प्रिजन जैसा हो जाता है जब वी हैव अ मेल बॉय एंड संग्राम को प्रिजन जैसा हो जाता है व्हेन वी हैव अ फीमेल, यू नो फुल टाइम। एंड जस्ट शेयरिंग बिकॉज सब लोग अलग अलग होते हैं ना, हम लोग अलग अलग हैं, थैंक गॉड हम भारत में हैं, कहीं और होते हैं तो फंस जाते हैं। सो हाथरस का जो स्टैम्पीड हुआ, उस स्टैम्पीड में जो मासूम लोग सोच रहे थे कि बाबा जी के पैर का सॉइल अपने माथे पे लगाएंगे तो उनके दुख दूर हो जाएंगे, वही बाबा जी के दर्शन करके उनके घर वाले या वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो हमारे भारत में सुपरस्टिशन है, बट पता है क्या, ये सुपरस्टिशन आपने एक रिलीजन के साथ अटैच कर दिया। अपने फेस को कवर करना ये सोच के कि एक्स वाई जेड मान्यता है या हमारे धर्म में लिखा है, वो एक सुपरस्टिशन है, वो एक रिग्रेसिव प्रैक्टिस है। आप कहीं से भी नहीं बोल सकते कि ये एक मॉडर्न प्रैक्टिस है, ठीक है? चॉइस वुमन की हो सकती है, वुमन को कहा जा सकता है कि ये आपकी चॉइस है बचपन से, ठीक है? जैसे आपके माँ बाप आपको जैसे पालेंगे आप बड़े होके वैसे बनेंगे, ठीक है? तो कहीं से भी आप ये मत बोलिए कि पायल एक रिलीजन के खिलाफ है, एक रिग्रेसिव और सुपरस्टिशियस प्रथा को पायल कॉल आउट करेगी, चाहे वो किसी भी रिलीजन में क्यों ना, ठीक है? हाथरस का स्टैम्पीड हो या बुरखा पहनने की प्रथा हो जिसमें आप फेस को कवर कर रहे हैं, दोनों जगह रिग्रेसिव और सुपरस्टिशियस थॉट प्रोसेस दिखती है, ठीक है? हैव अ ग्रेट डे। ये चर्च की बेल है, 6:30 हो गया। ये पंजाब के अंदर निहांग्स, ओके, द वंस हू कैरी बिग तलवार्स, सरदार चीज, उन्होंने एक इंसान को अटैक किया रोड के ऊपर। तो अगर वेस्ट बंगाल में एक लड़की एक लेडी के ऊपर अटैक किया गया बाय अ मैन, बोथ ऑफ द सेम कम्युनिटी,
उसी तरीके से एक आदमी के ऊपर अटैक किया गया बाय निहांग्स इन पंजाब. निहांग्स हैव दोस बिग तलवार्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट इवन लाइक द थॉट प्रोसेस के सिक्स शुड कैरी कृपाल कृपाल या बड़े वाला तलवार थे ना दे कैरी. बिकॉज US वीज़ा ऑफिस में मैं जा रही थी ना तो वहाँ पर लिखा हुआ था नो वन अलाउड टू एंटर विद कृपाल बिकॉज देयर वाज सरदार जीज हु वर देयर इन द लाइन. सो देयर दे कुड नॉट एंटर विद कृपाल. तो अगर आपको US जाना है और US वीज़ा के लिए लाइन में खड़े होना है तो आप कृपाल के साथ नहीं खड़े हो सकते एयरपोर्ट पे. क्या आप कृपाल ले जा सकते हो? आई डोंट थिंक सो. देन इन रियल लाइफ हाउ कैन यू रोम विद कृपाल? इट्स अ वेपन. सो इन माय कंट्री दिस आल्सो नीड्स टू बी बैंड. या सो हाय ट्रोलर्स. पायल हैज पॉइंट ऑफ व्यू. पायल इज नॉट अगेंस्ट एनी वन रिलीजन. पायल हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच इज वेरी बैलेंस्ड व्हिच इज वेरी मैच्योर. बट ट्रोलर्स एंड साइडकिक्स एंड वॉनाबीज आई फील सैड फॉर यू. सो वो निहांग ने एक पॉलिटिशियन शिवसेना के लीडर को मारा. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है पर आप किसी को मार नहीं सकते है ना. पायल ने भी जब स्टॉल का काम किया था टू लर्न एक्सपेरिमेंट देयर वाज अ क्रेजी वुमन बट शी स्टिल देयर ऑन द रोड्स डूइंग हर वर्क because that's her place. But I'm just trying to tell you that in life you cannot get violent physically, at least in India. In Bharat there has to be rules. You cannot become Afghanistan, theek hai? You cannot take the route of being violent on the roads. Yahan par I agree that we are a land not of Mahatma Gandhi but a land where there are laws. Okay, Mahatma Gandhi ka to bahut extreme ho jata hai jahan pe wo bolte non violence aise nahi hota. If there is an attack you approach the court. If the attack is physical on you it's your choice to attack back or to go by the law of the land. If you realize that your attacking back is going to create a lot of mess for you, you backtrack and you go by the law. But agar koi aapke ghar mein attack kar raha hai to aap samne attack karoge. But yahan pe nihangs road pe attack kar rahe the us aadmi ko, theek hai? Aur wo aadmi haath jod raha tha. So it was not an act of self defense, it was a assault, act of self defense, different phrases, different meanings. Burkha, ghungat, different phrases, different meanings. Yeah, Hindu women are not into ghungat. Sensible, modern, educated Hindu women are not into ghungat, but sensible, modern, educated Muslim women are into burkha. That is superstitious. We are not superstitious. Yeah, we understood that the ritual is there in village because Mughal invasion effect is there. But from village, if the woman comes to the city, she's not going to wear ghungat. So don't use that as a defense. ये दिखाता है कि वो लोग जो अपने आप को modern बोलते हैं वो modern होने का drama करते हैं. Do you get it? So the Nihang attack on the Hindu person is an act of assault. Is not an act of self-defense. And in self-defense also, it is your choice if you want to attack physically or you want to go via the law of the land. That is by the court of the country. Yeah? I think time for yoga. Mughal rulers made their women cover their face through burqa and attacked Hindu women, and so the Hindu women had to wear ghungat. Okay? सो मुगल रूलर्स इन्वेडर्स जिनके नाम से दिल्ली में बहुत सारे स्ट्रीट्स हैं दे वर बेसिकली रेपिस्ट एंड उनके नाम से जिन्होंने भी स्ट्रीट्स बनाई है वो सब स्ट्रीट्स को बदलो. ठीक है, हुम आर यू ग्लोरिफाइंग? रेपिस्ट ऑफ विमेन. खुद की औरतों को तो बुरखे में कवर करके रखा और हिंदू औरतों पर अटैक किया इसलिए हिंदू औरत को घूंघट पहनना पड़ा. सो देन डोंट ट्राई टू टीच मी वॉट इज वॉट.
when I tried to tell you that ghoonghat is not a defense for burqa. Yeah? ये जो अकबर रोड ये सब रोड है ना दिल्ली में, बदलो. रेपिस्ट को क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हो भारत के अंदर?